भारत माता की वंदे वंदे। अन्न जहां का वस्त्र जहां का वह है प्यारा इस देश की रक्षा। स्पेशल क्लास I requested to all please stand up on its position to national anthem and national flag. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
लाइन से एक एक करके आप लोग जाके माता सरस्वती को एक एक फूल चढ़ा दीजिए। जाइए लाइन से जाइए। श्री देव प्रकाश मौर्या जी जिनका अभिनंदन प्रिंसिपल मैम जी कर रही हैं, आप लोग क्लैप के साथ उनका स्वागत करें। हमारे चीफ गेस्ट एंड आई रिक्वेस्टेड टू नेक्स्ट आवर चीफ गेस्ट मिस्टर देवी दयाल गुप्ता जी। And our next guest, Mr. Pradeep Agrahari ji, please ma'am, I request you to please clap everyone. I would like to invite our special chief guest, Mr. Dev Prakash Maurya ji. Hello. आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो स्कूल के माध्यम से यहाँ के सभी अध्यापक और जो लोग हमको याद किए हैं यहाँ पे, मैं सबका पहले धन्यवाद देता हूँ और इस गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और कार्यक्रम शुरू किया जाए। धन्यवाद। Our next special guest, Mr. David Dayal Gupta ji. Clap everyone. Hello, hello. एक दफा फ्रेंड से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये देवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बच्चों को हम अपने पवित्र हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो आपने थोड़ा बहुत अपना समय निकाल कर यहाँ हाजिर हुए हैं। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। ये गणतंत्र दिवस कहाँ से आया, कैसे आया, हम सब जानते हैं। जब 1947 में अपना देश आजाद हुआ उस समय अपने देश की आबादी मात्र 34 करोड़ थी। 1947 में आजाद होने के बाद ये गणना जब हुई तो अपने देश की आबादी मात्र 34 करोड़ थी। उसके बाद ये हुआ कि अपने देश के संविधान में कुछ चेंजेस लाया जाए, कुछ बदलाव लाया जाए, तो बदलाव लाने के लिए भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, चूंकि वो बैरिस्टर वकील भी थे, कानून के अच्छे जानकार भी थे, तो उनके नेतृत्व में हुआ कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। तो उनके साथ 5 संसदीय कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद संशोधन हुआ जिसमें ये जोड़ा गया, अंग्रेजों के जमाने का जो नियम कानून था उसमें ये 2-3 चीज और जोड़ा गया, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ऐसे कुछ ओकेजन है जिसमें ये जोड़ा गया कि नहीं, इन दिनों जो है पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे होना चाहिए और ये कुछ जो है देश से संबंधित कार्यक्रम होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, उसी संविधान के संशोधन के तहत पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाने का योजना रखा गया जो 26 जनवरी 1950 में अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो नेहरू जी थे अपने देश के प्रधानमंत्री,
इन लोगों ने 26 जनवरी 1950 का पहला गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया, इस हिसाब से ये 74वां गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग 74वां मना दिए, कल से 75वें एंट्री कर जाएंगे। तो गणतंत्र दिवस का यही कहानी है। और ये देवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ये प्रोग्राम बनाया गया। पिछले साल जुलाई महीना में इस स्कूल की मान्यता ही मिली है, इसलिए पहले से कुछ किया नहीं जा सकता है, वो नियम विरुद्ध होता। तो बच्चों को यहाँ जुलाई में बहुत कम बच्चे मिले, बाकी सब तो अपने एडमिशन करा लिए थे लोग, लेकिन संभव उपाय हमारे तरफ से किया जाएगा। अच्छे टीचर रखे जाएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। मैदान देख रहे हैं, बच्चों को खेलने कूदने के लिए, वॉलीबॉल फुटबॉल सब चीज़ के लिए, खेलने कूदने के लिए काफ़ी स्थान है। किसी तरह का प्रोग्राम हो वो भी उसके लिए भी काफ़ी स्थान है। तो इन लोग देने के लिए कोशिश किए हैं, और आज तो बहुत थोड़े लोग हैं, और आज ही मैं ईश्वर के कृपा से हम लोग रहे तो 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आप भी आएंगे। आपके साथ अगल बगल वाले जो दोस्त यार पड़ोसी है उनको भी लाएंगे। ये तो सोशल काम है, आधा घंटा एक घंटा के लिए सब काम दिन भर करते हैं, अपना तो एक काम तो कुछ पब्लिक में आपका इमेज, हम सबका इमेज जाना चाहिए, इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो 15 अगस्त के लिए हम आज ही आप लोगों से जो है आप लोगों को निमंत्रण दे देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग। हिम्मत दीजिए कि ये लोग जो बच्चे सब जो है, जैसा कि आप लोगों को पता चला आज की हम 26 जनवरी मनाते क्यों हैं। एक्चुअली में हमारा देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, उसके बावजूद हमारे यहाँ काफी कमियां थी कि सभी को एकजुट मंच कैसे दिया जाए। अगर मंच सभी को एक देना है तो हमारे यहाँ जैसा कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विभिन्न जगह पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, कहीं पे कानून ध्वस्त पड़ा था, कहीं पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इन सभी कारणों से हमारे जो राजनेता थे उस समय, उन्होंने एक निश्चय किया कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसके तहत हम सभी को एक मंच देने का काम करेंगे, और ऐसा मंच दिया जाएगा जिसपे कोई भी बड़ा सा बड़ा आदमी हो या छोटा सा छोटा आदमी हो, सभी को एक समान एक तराजू में तौला जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज की जो हमारी शांति की सभ्यता जो जानी जाती है, भारत की सभ्यता, वो उसका पहचान कहीं ना कहीं गुम हो जाता। इसीलिए हम बहुत आभारी हैं कि हमारे ऐसे राजनेता हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, जिन्होंने इतनी अच्छी संविधान को हमें यहाँ पे प्रदान किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। सोचिए कितना उन्होंने काम किया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में उन्होंने इस अद्भुत संविधान का निर्माण किया, और उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। हम उसके सदा ही आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच।